मैं खड़ी हूँ उत्तराखंड की ठंडी ठंडी वादियों में। ये जगह है देहरादून। जी हाँ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 280 किलोमीटर होगा। तो गाइज हम इस टाइम यहाँ पहुँच गए हैं। हम सुबह 4 बजे निकले थे और हम 8 बजे यहाँ पहुँच गए हैं। तो फिर रास्ता जो है हमें बहुत अच्छा मिला, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला। और देहरादून मैंने अभी तक इमेजिन नहीं किया था, मुझे नहीं पता था कि इतना डेवलप्ड सिटी होगा। देहरादून इज़ अ वेरी डेवलप्ड सिटी एक्चुअली। यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे मॉल्स, इतने अच्छे अच्छे घर, इतने अच्छे अच्छे होटल्स हैं। तो फिर अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ देहरादून का ये सफ़र। सबसे पहली जगह जो हम पहुंचने वाले हैं वो है सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा देहरादून का एक बहुत ही फेमस स्पॉट है। तो फिर चलिए चलते हैं सहस्त्रधारा। गाइज हम इस टाइम बैठे हैं रोप वे में और ये हमें ले जा रही है सहस्त्रधारा में ऊपर। और देखिए मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ तो गाइज हमने जो है सहस्त्रधारा से नीचे से रोपवे पकड़ा था और हम अब कम से कम 1000 फीट ऊपर आ चुके हैं। और आप देखिए कि यहाँ का नज़ारा कितना ज़्यादा सुंदर है, इतना प्रिटी व्यू। लिटरली देहरादून जो है वो तो मेरे बस दिल में बस गया है एंड आई लव दिस प्लेस। इतना सुंदर व्यू। और यहाँ पे सहस्त्रधारा में रोपवे से ऊपर आने के बाद बहुत कुछ है देखने के लिए जो अब हम जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करेंगे। Guys, you should seriously check out this place. This place is so happening. Wow! I just love this place. So friends, now I'm going to take you to a very interesting place. Welcome to the lovers' point of Sahasrdhara. Sahasrdhara is known for its sulfur water springs. This water contains medicinal properties and can cure your skin ailments. तो गाइस हम जा रहे हैं गुच्चू पानी। ये जो है देहरादून सिटी से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। और देखिए अभी से जो ये नदी का पानी बहता हुआ दिख रहा है। हम इस रास्ते से जाएंगे रॉबर्स केव के अंदर। रॉबर्स केव को जो है गुच्चू पानी आगे स्थानीय लोग जो है वो बुलाते हैं। फेमस ये रॉबर्स केव के नाम से ज़्यादा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका नाम रॉबर्स केव कैसे पड़ा। रॉबर्स केव यहाँ का नाम है ना, वो एक्चुअली में इसलिए पड़ा कि जब अंग्रेज़ों का शासन था हमारे भारत के ऊपर, तो जो रॉबर्स यानी कि जो चोर जो चोरी जो करते थे वो अपना सारा सामान लेके यहाँ पे आ जाते थे। और यहाँ आने का रास्ता जो है वो इतना ज़्यादा यू नो कठिन था कि अंग्रेज़ उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। उस वजह से इस जगह का नाम, इस गुफा का नाम रॉबर्स केव पड़ गया। और अब हम चलकर आपको दिखाते हैं कि वो कैसी है। देहरादून में जो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि यहाँ पे हरियाली तो है ही, हरियाली के साथ ही साथ यहाँ पे सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान है। मुझे पूरे देहरादून में अभी तक कूड़ा कचरा कहीं नहीं दिखा है। जगह जगह पे डस्टबिन्स लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पे क्लीनलीनेस
बहुत ज़्यादा उसका ध्यान रखा गया। हाँ तो गाइज आप देख सकते हैं कि मुझे जो है अपने शॉर्ट्स और अपनी पैंट जो है वो चेंज करनी पड़ी, क्योंकि अंदर बहुत ही सारा बोल रहे हैं, नीज तक का पानी है तो जीन्स आपकी गीली हो जाएगी। इसलिए आप परेशान ना हो, अगर आप यहाँ पे आए हैं और आप कपड़े नहीं लाए हैं तो फिर यहाँ पे है लॉकर सिस्टम। आप यहाँ पे रेंट पे, किराए पे कपड़े ले सकते हैं, चप्पलें ले सकते हैं, और साथ ही यहाँ पे लॉकर्स हैं अगर आपका कुछ वैल्यूएबल आइटम्स है जैसे कि आपके मोबाइल्स या फिर आपके शूज़ वगैरह, वो सब भी आप यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। पैसे बहुत कम है, 30 रुपीज़ लॉकर के हैं, चप्पल के 10 रुपये हैं, और चेंजिंग रूम के भी 20 रुपीज़ हमें पे करने पड़े हैं। तो फिर चलिए अब हम चलते हैं रॉबर्ट्स केव के अंदर। गाइज मैं इस टाइम रॉबर्ट्स केव की एंट्री पे खड़ी हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पानी का बहाव एक्चुअली में बहुत तेज़ है। अगर मैं हल्की फुल्की हुई या फिर कोई हल्का फुल्का हुआ तो भैया वो तो बह जाएगा। और वन थिंग मोर के पानी इतना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है कि आपको अंदर के सारे पत्थर एकदम साफ साफ दिख जाएंगे। तो चलिए बंदे चल के देखते हैं। इस जगह को लेके बहुत सी बातें हैं जो अद्भुत मानी जाती हैं और जिनको रहस्यपूर्ण कहा जाता है। मैंने इसकी ज़्यादा हिस्ट्री पे रिसर्च नहीं किया है, बट आई थिंक इसके बारे में एक जगह बात ये भी बोली जाती है कि यहाँ पे जो है ना पानी वाले सांप होते हैं, लेकिन वो सांप जो होते हैं ना वो किसी को काटते नहीं हैं। ये बात हमें बाहर जो एक भैया मिले थे जो यहाँ पे काम वाम करते हैं, उन्होंने हमें बताया था। बाकी अदरवाइज़ दिस प्लेस इज़ वेरी कूल। और मैं अपने पुराने ज़माने के उन डकैत लोगों को बोलूँगी कि भैया तुमने बहुत अच्छी जगह की खोज करी है, यहाँ पर तो ना कोई भी ढूंढने नहीं आ पाता। हाँ तो भैया हम ऑलमोस्ट 650 मीटर्स की दूरी तय करके जो है अब रॉबर्ट्स केव के एकदम एंडिंग पॉइंट पे आ गए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक झरना है, ये कितना सुंदर भी है बट एट द सेम टाइम ये बहुत डरावना लग रहा है। और सिंस उस साइड पे कोई भी नहीं है तो मैं भी वहाँ जाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करूँगी, मुझे तो वैसे ही डर लग रहा है देख के। बट हाँ दिस प्लेस इज़ वेरी कूल, एंड इफ़ यू आर इन देहरादून और गोइंग टू मसूरी देन यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। आपको जो है नेचुरल पेडिक्योर मिल जाता है, और जो सलून में जाके हम इतने हज़ारों पैसे खूबते हैं ना, यहाँ पे फ्री में पेडिक्योर हो गया। हाँ तो गाइस अब हम घूमने आए हैं देहरादून जू। ये रॉबर्ट्स केव से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, तो फिर हमने सोचा कि चलिए यहाँ का जू भी जरूर देख लिया जाए। खड़ी हूँ देहरादून के पलटन बाज़ार में। यहाँ पे जो है आप देखिए कपड़े, जूते, चप्पल सब कुछ खरीद सकते हैं। बेसिकली ये यहाँ की सबसे बड़ी मार्केट है, शॉपिंग मार्केट है।